स्वागत है आपका हमारे चैनल ujob.com पर। आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में, हाउ टू फाइंड जॉब इन स्विट्जरलैंड। आपको स्विट्जरलैंड में कैसे जॉब मिलेगा, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। अगर आप भारत से हो या कोई भी भारत का जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो अगर आप हिंदी समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आएगा। स्विट्जरलैंड में अगर आपको नौकरी करना आप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, एक लैंडलॉक कंट्री है, मिडिल ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। स्विट्जरलैंड का जो नॉर्थ पार्ट में है जर्मनी और ऑस्ट्रिया, वेस्टर्न पार्ट में है फ्रांस, साउथ में है इटली और ईस्टर्न पार्ट में है लिसिस्टेन, एक छोटा सा देश है। स्विट्जरलैंड का जो भाषा है, लैंग्वेज है, करीब वहाँ 4 से 5 लैंग्वेज चलता है। इंग्लिश तो चलता है, वाइडली स्पोकन स्विट्जरलैंड में, और दूसरा भाषा क्या है, जर्मन लैंग्वेज वाइडली बात करते हैं, वाइडली स्पोकन जर्मनी चलता है, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच चलता है, रोमानेस लैंग्वेज चलता है और इटालियन लैंग्वेज चलता है। जैसा कि मैं बोला, स्विट्जरलैंड एक बहुत रिच कंट्री है, वेल्थीएस्ट कंट्री है, वेल्थ बहुत रिच कंट्री है, और दुनिया भर के लोग जो जॉब सीकर्स है, बिजनेसमैन है, वहाँ बसना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, और जॉब सीकर, दुनिया भर के जॉब सीकर स्विट्जरलैंड में जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड दुनिया का एक बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल देश है। और स्विट्जरलैंड का जो वहाँ का जो देश का जो इकोनॉमी स्टेबल है, वहाँ का गवर्नमेंट स्टेबल है, और उनका जो सैलरी बहुत हाई है। दुनिया का, वर्ल्ड में जितने कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड का जो सैलरी बहुत हाई है। स्विट्जरलैंड के नीचे आता है नॉर्वे, कनाडा, ऐसे कंट्रीज है ज़्यादा हाई है, स्विट्जरलैंड का सैलरी सबसे हाई है। और स्विट्जरलैंड का जो कंपनीज अपने एम्प्लॉय को अच्छे सैलरी देते हैं और उनका अच्छा बेनिफिट, उनका अच्छा जो वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए सोचते रहते हैं, इसीलिए दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड लोग स्विट्जरलैंड में बसना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ अगर नौकरी मिल जाता है तो नौकरी बहुत अच्छा रहता है। मिनिमम सैलरी जो वहाँ पर मिलता है, मिनिमम इंडिया का 5,50,000 तक सैलरी, मिनिमम सैलरी रहता है, जो मिनिमम वहाँ का छोटा मोटा जो काम करोगे तो मिनिमम 5-5.5 लाख रुपया मिनिमम सैलरी रहता है, क्योंकि 6,500 स्विस फ्रांक कम से कम मिल जाता है, 6,500। तो वहाँ का जो स्विट्जरलैंड का जो करेंसी है स्विस फ्रांक, एक स्विस फ्रांक इंडिया का करीब 81 रुपीस आज के तारीख में होता है, और 6,000-7,000 स्विस फ्रांक मिनिमम एक आदमी, मिनिमम जो अनस्किल्ड स्किल्ड वर्कर्स वहाँ कमा सकता है, तो इंडिया का करीब 4.5 लाख-5 लाख-6 लाख तक मिनिमम सैलरी वहाँ आप कमा सकते हैं स्विट्जरलैंड। लेकिन स्विट्जरलैंड में जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है एक EU का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है स्विट्जरलैंड। और यूरोपियन यूनियन कौन है, कौन सा देश है, आप नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो कंट्रीज मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे लाइन पर, ये सब कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का मेंबर्स है, और स्विट्जरलैंड वन ऑफ ए मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन जो इन देशों का जो लोग है, जैसे कि मैं आपको बता दिया, उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिसिस्टेन, जितना जो कंट्रीज आपको बता रहा हूँ, इन नेबरिंग कंट्रीज के लोग ज़्यादा करके स्विट्जरलैंड में आके काम करते हैं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फैक्ट्रीज, हर डिपार्टमेंट में, हर इंडस्ट्री में वो लोग काम करते हैं। और बाकी सारे जितने सारे यूरोपियन कंट्रीज में आपको नीचे दिखा रहा हूँ, हर कंट्री से लोग आके स्विट्जरलैंड में काम करते हैं, काम करने के बाद अपने देश भी लौट जाते हैं, और क्योंकि उनको डायरेक्ट 5 साल का वर्क परमिट मिल जाती है। जैसे कि हम इंडिया से जाएंगे काम करने के लिए, फर्स्ट वन ईयर एक साल का वर्क परमिट मिलता है, 1 साल इसके बाद आप उसको रेन्यू कर सकते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन का लोग अनलिमिटेड टाइम काम कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट 5 साल का वर्क परमिट मिल जाती है, तो उनके लिए ईजी है वहाँ जाके काम करने के लिए। इसीलिए स्विट्जरलैंड में काम मिलना काफ़ी मुश्किल है, जो नॉन EU कंट्रीज है। नॉन EU कंट्रीज कौन है, एशियन कंट्रीज है, जो कंट्रीज है एशिया का है कंट्रीज है, अफ्रीकन से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के भी लोग हैं। नौकरी कैसे मिलेगा, जैसे कि मैं आपको बताया, नौकरी जॉब आप जब अप्लाई करते हो, जॉब अप्लाई करने के बाद वहाँ का जो गवर्नमेंट, स्विट्जरलैंड का जो कंपनी आपके लिए वीज़ा अप्लाई करता है। वीज़ा अप्लाई करने से पहले
स्विट्जरलैंड में वो ऑफलाइन ऑनलाइन में वो जॉब वैकेंसीज का एडवर्टाइज करते हैं, पब्लिश करते हैं, उसके बाद ऑल ओवर यूरोपियन यूनियन में ऑनलाइन में एडवर्टाइज करते हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट में आपका वीजा सबमिशन करते हैं और गवर्नमेंट को दिखाता है, स्विट्जरलैंड का गवर्नमेंट को दिखाता है कि आपका रिलेटेड जॉब स्विट्जरलैंड में कोई कैंडिडेट उनको नहीं मिला या फुल यूरोपियन यूनियन में कोई कैंडिडेट नहीं मिला आपका कैटेगरीज का जो जॉब उनको चाहिए, जो कैंडिडेट चाहिए, इसलिए वो आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन आउट ऑफ ईयू को रिक्रूट करना चाहते हैं। इसलिए भारी या बहुत काफी डिफिकल्ट है जॉब मिलना। तो अभी बात करेंगे कि आइए देखेंगे किस इंडस्ट्रीज का जॉब वहाँ अवेलेबल है स्विट्जरलैंड में। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस किस इंडस्ट्रीज का जॉब वहाँ इजीली अवेलेबल है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर है, काफी सारा बैंक है स्विट्जरलैंड में, तो बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा जॉब है, इंजीनियरिंग में ज्यादा जॉब्स है, इंश्योरेंस सेक्टर है, कंसल्टिंग है, टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन यानी हेल्थ केयर का, हेल्थ केयर में ज्यादा जॉब्स है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जॉब्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में जॉब्स है। तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इन सेक्टर में ज्यादा स्विट्जरलैंड में जॉब्स है। तो इन सेक्टर में अगर इन सेक्टर से आप बिलोंग करते हो इन सेक्टर में तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। जैसे कि स्विट्जरलैंड एक दुनिया का एक ऐसी देश है जहां पर ज्यादा बैंक्स है और वर्ल्ड का जितने सारे वेल्थीएस्ट लोग रिच लोग है स्विट्जरलैंड का बैंक में पैसा वो रखते हैं, डिपॉजिट रखते हैं, वहां सेफ रहते हैं और स्विट्जरलैंड का गवर्नमेंट ये जो पैसा का जो पैसा स्विट्जरलैंड का बैंक में रहता है वो किसी को मतलब नहीं बताते हैं क्योंकि ये बहुत सीक्रेटली पैसा रखा जाता है। इसलिए वर्ल्ड का सबसे जितना सारे रिच लोग है गवर्नमेंट है ज्यादा करके स्विस बैंक में पैसा रखते हैं, वहाँ सिक्योर रहता है पैसा, इसलिए ज्यादा दुनिया भर के जितने सारे बड़े बड़े बैंक्स है स्विट्जरलैंड में उनका ऑफिसेस है, इंश्योरेंस कंपनीज का ऑफिसेस है, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर वहाँ ग्रो हो रहा है और बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा वहाँ जॉब्स है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर से हो, इंश्योरेंस से हो, इंजीनियरिंग कैटेगरी से हो, IT से हो, हेल्थ केयर से हो तो आपको इजीली वहाँ जॉब मिल जाएगी। तो जॉब कैसे मिलेगी इजीली, अगर आप इंडिया से हो या इंडियन नेबरिंग कंट्री से कहीं से आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप इन जॉब को दिखा रहा हूँ जितने सारे जॉब पोर्टल्स है इन जॉब पोर्टल्स में रजिस्टर करिए, आपका जॉब एप्लीकेशन आप अप्लाई करते रहिए, देख लीजिए कितने सारे जॉब साइट में आपको दिखा रहा हूँ। eu.expector.com है, jobs.ch है, जितना सारा मैं दिखा रहा हूँ जॉब साइट है, ये जो मेन स्विट्जरलैंड का जॉब साइट है, और लिंक्डइन है, लिंक्डइन में आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स इन स्विट्जरलैंड में मिल जाएगी। तो जितना सारे मैं दिखा रहा हूँ आपको देख लीजिए, thelocal.ch ये यूरोपियन यूनियन का पूरा हर कंट्री का जॉब मिलता है वहाँ पर, betrotin.com है, monster.ch है, jobyou.ch है, jobs.com है, पूरी पोर्टल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ इस जॉब साइट में, जितना सारे साइट आपको दिखा रहा हूँ इन साइट में आप जाके रजिस्टर करिए आपका जो CV रजिस्टर करके आप जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करते रहिए स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में जॉब मिलने के लिए स्विट्जरलैंड में अगर जॉब करोगे तो आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए, आइदर जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, रोमानस जो लैंग्वेज है आपको, एटलीस्ट आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए, जर्मन वाइडली स्पोकन इन स्विट्जरलैंड, जर्मनी ज्यादा वहाँ बोला जाता है जर्मन लैंग्वेज। अगर आपको स्विट्जरलैंड में जॉब करना है तो आप जर्मन लैंग्वेज जरूर सीखिए, क्योंकि देखिए जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीखोगे आपको फायदा क्या है, जर्मन लैंग्वेज में आप जर्मनी में काम कर सकते हो, ऑस्ट्रिया में काम कर सकते हो, बेल्जियम में काम कर सकते हो, स्विट्जरलैंड में काम कर सकते हो, इसलिए जर्मन लैंग्वेज आप सीखिए बहुत जरूरी है अगर आपको स्विट्जरलैंड, जर्मनी या कोई भी जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में आप काम करना चाहते हो। अगर आप स्विट्जरलैंड में काम करोगे आप इन साइट्स में जॉब्स एप्लीकेशन अप्लाई करते रहिए, लेकिन आप इस एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले आपको जॉब का जो लैंग्वेज है एक लैंग्वेज तो एटलीस्ट आना चाहिए। अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड में काम करना चाहते हो तो आपको इटालियन लैंग्वेज आना जरूरी है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है स्विट्जरलैंड का, नॉर्थ पार्ट में है जर्मन स्पीकिंग ऑफ स्विस एरिया, इसलिए आपको लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो तो आपको लैंग्वेज जरूरी है, आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए, फ्रेंच लैंग्वेज आना चाहिए और इटालियन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आते आपको स्विट्जरलैंड में जॉब मिलना बहुत मुश्किल
हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड में कौन से बड़े बड़े कंपनीज है जो ज्यादा करके फॉरेनर्स को रिक्रूट करते रहते हैं, आइए मैं दिखा रहा हूँ। तो स्विट्जरलैंड में जो बड़े बड़े कंपनी है जो आपको आपने सुना होगा, नेस्ले बड़ा कंपनी है, वर्ल्ड का जो बड़ा नेस्ले कंपनी है, वहां पर 3,23,000 लोग काम करते हैं। उसके बाद ग्लेनकोर इंटरनेशनल है, 1,56,000 के लोग काम करते हैं। एबीबी 1,34,000 लोग काम करते हैं। नोवार्टिस 1,26,457 लोग काम कर रहे हैं। एसजीएस 95,000 लोग काम करते हैं। रोस रेफरेंस होलकॉम क्यूएन माइग्रोस देख लीजिए आप पूरी कंपनीज, कार्बिन इंटरनेशनल है, ये पूरी कंपनीज आपको दिखा रहा हूं। इन कंपनीज है इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनीज है, स्विट्जरलैंड का कंपनीज है, हर कंट्रीज में इन कंपनीज का ऑफिस आपको मिलेगा। एबीबी एक इंजीनियरिंग कंपनी है, बड़ा कंपनी है। नेस्ले भी बहुत बड़ा कंपनीज है। और अगर आप आईटी सेक्टर से हो, आईटी इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आपको लैंग्वेज सीखना 90% आपको सीखने का जरूर नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा करके इंग्लिश में काम करना पड़ेगा, इंग्लिश स्पीकिंग लोग के साथ काम करना पड़ेगा। आपका सॉफ्टवेयर भी इंग्लिश में बना हुआ है, इसलिए आपको इंग्लिश जर्मन लैंग्वेज जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जब स्विट्जरलैंड में अगर बसना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। अभी बात करेंगे जो वीजा के बारे में, तो स्विट्जरलैंड में जो वीजा है, तो एक तो आप टूरिस्ट वीजा है, आप टूरिस्ट वीजा मतलब वहां जा टूरिस्ट होके जाके घूमने के लिए जा सकते हो टूरिस्ट बन के। उसके बाद स्टूडेंट वीजा एक इजी तरीका है स्विट्जरलैंड में जॉब करने के लिए। आप पहले अगर इंडिया में आप मास्टर डिग्री पढ़े हैं तो पीएचडी के लिए जाइए, या इंडिया में अगर आपने अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री आप पढ़े हैं तो आप मास्टर डिग्री के लिए आप जाइए, वहाँ होटल मैनेजमेंट का मास्टर डिग्री कर सकते हैं, बैंकिंग का कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का कर सकते हैं, आप टेक्निकल कोई भी आईटी का कुछ भी कर सकते हैं। और वहाँ फेमस है होटल मैनेजमेंट का, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का बहुत फेमस है आप वो मास्टर डिग्री के लिए। अगर आप स्विट्जरलैंड में मास्टर डिग्री आप कंप्लीट करते हो या बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हो तो वहाँ पर आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपको लैंग्वेज भी आता होगा, कंप्लीट करते करते आपको लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज आप बोल पाओगे, और आपको वहाँ का गवर्नमेंट वहाँ का लोकल वहाँ का जो यूनिवर्सिटी से आपका ऑलरेडी आपके पास डिप्लोमा डिग्री है। तो इसलिए अगर आप स्विट्जरलैंड में जॉब करना चाहते हो तो अगर आपके पास पैसा है तो स्विट्जरलैंड में आप जाकर मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री या पीएचडी कुछ भी कर लीजिए। कंप्लीट होने के बाद करीब 9 मंथ्स तक वहाँ का स्विस गवर्नमेंट 6 to 9 months आपको टाइम देता है, आप जॉब ढूंढ के आपका जो वीजा चेंज कर लीजिए। और स्विट्जरलैंड में दूसरा बात है, अगर आपका जो आप किसी को स्विस नेशनल का स्विस का सिटीजन को आप शादी करते हो तो फिर आपको इजीली आपको वहाँ मिल जाती है रेसिडेंट परमिट आरपी मिल जाती है टीआरपी, उसके बाद रेसिडेंट परमिट मिल जाती है और बाद में जो परमानेंट रेसिडेंट भी मिल जाती है, और इजीली आपको विद इन 8 to 10 years आपको स्विस पासपोर्ट स्विट्जरलैंड नेशनलिटी आपको मिल जाती है। अगर स्विट्जरलैंड में आप जॉब करोगे तो पहले तो आपको एक एक साल का वीजा मिलेगा 5 साल तक, फिर आपकी वो मिलेगा परमानेंट रेसिडेंट मिलेगा, फिर 10 years तक 8 to 10 years में आपको मिल जाएगी स्विट्जरलैंड का नेशनलिटी। लेकिन आपको एक लैंग्वेज आना चाहिए, स्विट्जरलैंड का लैंग्वेज मेन लैंग्वेज है जर्मन इटालियन फ्रेंच, कुछ तो लैंग्वेज आपको आना चाहिए, फिर आपको 8 साल के अंदर आपको मिल जाएगी स्विस नेशनलिटी। तो मैं आपको बता दिया, तो इजी तरीका है आपको, आप इंडिया से आप जो आपको जितना सारे मैं जॉब साइट बता रहा हूँ इन जॉब साइट्स को मैंने हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप इन जॉब साइट में जाके रजिस्टर करके आप जॉब अप्लाई करते रहिए। या स्विट्जरलैंड का अगर आप पढ़ना चाहते हो, पैसा है आपके पास, आप एज ए स्टूडेंट जाइए पढ़ने के लिए, मास्टर डिग्री करिए और आपका पीएचडी करिए, या अपना आपका जो बैचलर डिग्री करिए, कंप्लीट आने के बाद आप वहीं आपको जॉब मिल जाएगी, फिर आप वहाँ सेटल हो सकते हैं। या दूसरा तरीका है, आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गया, जैसा कि यूक्रेन हो गया, रशिया, बेलारूस, मोल्डोवा, ऐसा सब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पर जाके मास्टर डिग्री करिए, फिर वहाँ मास्टर डिग्री करने के साथ साथ आप जर्मन लैंग्वेज सीखिए, फिर इन बिटवीन आप स्विट्जरलैंड विजिट करिए, क्योंकि आप इजीली वहाँ से वीजा मिल जाएगी। स्विट्जरलैंड विजिट करके आप जॉब अप्लाई करिए, जॉब ट्राई करिए, कंपनी में इंटरव्यू दीजिए, थोड़ा विजिट करिए स्विट्जरलैंड बार बार, फिर आपको इजीली कंपनी के साथ इंटरेक्ट करिए, वहाँ जॉब मेला होता है, जॉब का जो फेस्टिवल टाइप का होता है जॉब्स का, तो वहाँ पर जॉब मेला होता है तो जॉब में जाके आप कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव मिलिए, आपका सीवी दीजिए,
अगर आपको लैंग्वेज अच्छा आता है, आप ईस्टर्न यूरोप में कोई यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहे हो, मास्टर कंप्लीट कर चुके हो, तो इजीली स्विट्जरलैंड में आपको जॉब मिल सकती है। तो आपका जितना मैंने कंपनीज का जितना सारे मैंने बता दिया जॉब साइट्स, मैंने इस जॉब साइट्स को मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। इन जॉब साइट्स में जाके आप रजिस्टर करके आप जॉब अप्लाई करते रहिए, या स्विट्जरलैंड में आप पढ़ने जाइए, या ईस्ट यूरोप में कहीं पढ़ के मास्टर डिग्री करने के साथ साथ आप स्विस लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज सीखिए, फिर आपको स्विट्जरलैंड में इजीली जॉब मिल जाएगी। ये डिटेल्स मैं आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप हमें लाइक करिए, आपका फ्रेंड सर्कल के साथ सर्कल या आपका जो रिलेटिव के इन बिटवीन आपने इन वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि वीडियो का इन्फॉर्मेशन किसी को काम आ जाए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको हम दिला सके। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ।